आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली में मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक कोविड से बचाव की 3 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। अब तक कुल 3,15,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सीनियर प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से फेलोशिप भी मिल चुकी है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर बलबीर को पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर बलबीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 01233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIANews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम अपनी चर्चा को शुरू करें तो डॉक्टर बलबीर, जैसा कि देश में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, आप क्या कुछ कहेंगे? तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा गर्व का है मौका, क्योंकि ना तो दुनिया में कितनी वैक्सीन अभी लगी है और ना किसी ने अपनी कंट्री ने अपनी वैक्सीन इतना एक्सटेंसिवली यूज किया है कि वो अपने देश में भी और कई और देशों में भी दे पा रही है। तो इसलिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और डॉक्टर बलबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने अपना टीकाकरण करा लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा है? तो मेरा पहला डोज लगा था 21 जनवरी को और दूसरा लगा 24 फरवरी को। तो मुझे तो पता भी नहीं चला इंजेक्शन में, ना तो दर्द हुआ ना मुझे कुछ खास सिम्टम्स हुए इंजेक्शन के बाद। और मैं यही उम्मीद कर रहा था कि इससे कुछ खास सिम्टम्स नहीं आते हैं, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, इससे सेफ्टी कोई और वैक्सीन की नहीं हो सकती। डॉक्टर बलबीर, ये तो आपका व्यक्तिगत अनुभव है और मुझे लगता है कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे लिसनर्स के साथ, तो बहुत सारे लोग जिनके अंदर वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी है या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी भ्रामक खबरें लोग फैला रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन ना लगवाएं, ऐसे लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे? मैं उनको बोलूंगा कि अगर आपको नहीं लगानी है तो आप थोड़ा वेट कर लो, बाकी उनको तो लगने दो, लेकिन ऐसी अफवाहें फैलाना बिल्कुल ही गलत है। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे कई मैसेजेस गलत इंडिकेटर्स दिए, लोग डरे, लेकिन ये डरने का बिल्कुल कोई कारण नहीं है, जबकि 3 करोड़ के करीब लोगों को लग चुकी है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुकी है वैक्सीन। तो डरने की कोई भी विषय नहीं है, अगर होता तो अभी आपको पता लग जाता। ये सब र्यूमर्स हैं जिसकी वजह से इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम खराब हो सकता है अगर हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। जी, और इसी तरह की कुछ बातें लोग हमारी जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है या जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर कर रहे थे, लेकिन आज विश्व की इम्पोर्टेंट जर्नल जैसे लैंसेट और दूसरी जगहों पर भी इस वैक्सीन की सेफ्टी और इफिकेसी को लेकर बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। तो कोवैक्सीन एक इंडियन वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट में बनी। तो कोवैक्सीन में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि फुल्ली लाइव अटेन्यूएटेड वायरस है, उसके सारे कंपोनेंट्स हैं वायरस के। आप कोविशील्ड देखेंगे जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसमें स्पाइक प्रोटीन है, सिर्फ अटेन्यूएटेड स्पाइक प्रोटीन। जो एमआरए वैक्सीन हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये वैक्सीन फुल्ली लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जैसे पोलियो वैक्सीन है सिमिलर लाइन्स पे ये वैक्सीन है, क्योंकि हमें पोलियो में बहुत एक्सपीरियंस था। इंडिया ने एक कम्प्लीट लाइव अटेन्यूएटेड वायरस की वैक्सीन बनाई। तो पहले लोग कह रहे थे जब ये लॉन्च हुई तो लोग कह रहे थे कि इसका डेटा नहीं है, लेकिन अभी डेटा छप गया लैंसेट में। लैंसेट एक मेडिकल जर्नल्स में टॉप रेटिंग पे है वर्ल्ड में। लैंसेट जर्नल में अगर आर्टिकल छपता है तो बड़ी उसकी
देखा जाता है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है, तभी छपता है। और अगर एक लैंसेट में आर्टिकल छपता है तो उसकी बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है, आर्टिकल तभी छपता है और उसकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में बहुत होती है। जी। तो लैंसेट के आर्टिकल की मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। तो उसने बताया कि हमारा थ्री फेजेज में ये ट्रायल था कोवैक्सीन के साथ। पहले फेज में उसने एंटीबॉडीज चेक की, दूसरे फेज में सेफ्टी और तीसरे फेज में एफिकेसी। तो एफिकेसी 25,000 लोगों के वैक्सीन लगी थी तब जाके एफिकेसी थ्रू की। 25,000 एक बहुत बड़ा डेटा होता है। उस 25,000 में 81% एफिकेसी मानी गई और सेफ्टी 100%। 81% एफिकेसी बहुत हाई गई एफिकेसी है। 81% मतलब कि इन्फेक्शन ही नहीं जी। और ये बहुत हाईली एफिकेसी वैक्सीन है, तो इसलिए हमें कोई भी डरना नहीं चाहिए कि कोवैक्सीन। मेरी फैमिली ने कोवैक्सीन लगवाई है और मैंने कोविशील्ड लगी, मुझे हम दोनों को कोई फर्क नहीं। तो वैसे दोनों वैक्सीन अच्छी जिसको जो मिले, लेकिन कोवैक्सीन पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की बनी है तो इंफीरियर होगी, शायद ये सुपीरियर है बाकी वैक्सीन से, कई वैक्सीन से। जी बिल्कुल, अब देश बदल रहा है और कोवैक्सीन की बात जैसा कि डॉक्टर बलबीर आपने बताया, बहुत सारे लोगों के मन में जो भी दुविधा थी उससे आपकी इन बातों से उन्हें जरूर इनको ये बात से बल मिलेगा कि कोवैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है। डॉक्टर बलबीर, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि 45 वर्ष से अधिक हृदय के कौन से वो रोगी हैं जिन्हें प्रायोरिटी ग्रुप्स में अपना टीकाकरण वो करा सकते हैं? मैं ये बता सकता हूं कि जो इनिशियल गाइडलाइंस आई हैं उसमें जिस पेशेंट को हार्ट की पंपिंग वीक है, जिसका वाल्व लीक कर रहा है, उसकी वाल्व चेंज हुआ है, या उनको कुछ पैदायशी रोग है जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज विद पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, उनके छेद हैं बड़े बड़े, उन सबको प्रायोरिटी दी है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी है, तो हम सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको बहुत ईजिली वैक्सीन लग जाती है। जी। और डॉक्टर बलबीर, हमारे श्रोता शिशिर ईमेल पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, मेरे लिए वैक्सीन लगवाना कितना सुरक्षित रहेगा? तो पहली चीज, जिसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जो भी कोई हार्ट का मरीज है, किसी भी एज का हो, उसको वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब कोरोना नहीं था तो फ्लू वायरसेस थे, H1N1 था, तो हम अपने पेशेंट्स को कहते थे कि ये फ्लू वैक का शॉट हर साल अक्टूबर नवंबर में लगवा लिया करो, क्योंकि वो उस टाइम पे नया स्ट्रेन आता है वैक्सीन का। तो हम हर पेशेंट को ये सजेस्ट करते थे कि एक फ्लू वैक का शॉट लगवा, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स को एक वायरल इन्फेक्शन होना एक बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज वायरस हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, उनकी पंपिंग पहले कम होती है और कम हो सकती है अगर वायरल इन्फेक्शन हो। तो हार्ट पेशेंट्स को तो वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी। दूसरी बात रही सेफ्टी की, 100% सेफ है, उसमें आंख बंद करके लगवानी चाहिए। जी। और डॉक्टर बलबीर, हमारे एक दूसरे श्रोता ईमेल से पूछ रहे हैं कि उनकी खून को पतला करने वाली यानी ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है, उन्हें पहले कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ चुका है, क्या ब्लड थिनर मेडिसिन के साथ वैक्सीन लेना सुरक्षित रहेगा? अब ये डाउट पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ कि क्या ब्लड थिनिंग के साथ वैक्सीन। तो ब्लड थिनिंग जिनको लगी होती है उनको हजार और भी इंजेक्शन लगते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये कोरोना वैक्सीन में ऐसा थोड़े ना कुछ है कि जो और कुछ गड़बड़ कर देगा ब्लड थिनिंग। तो ब्लड थिनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, अपनी वैक्सीन लगानी चाहिए, कोई सोचने की बात ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत, किसी ने बोला कि एस्पिरिन बंद कर दो या अपनी ब्लड थिनिंग एजेंट बंद कर दो, उससे नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं बंद करना, आप वैक्सीन के लिए एज फिट हो एज कोई और। जी। और डॉक्टर बलबीर, वो रोगी जिनके निकट भविष्य में ओपन हार्ट सर्जरी या हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट या कोई कार्डियक सर्जरी होने वाली है, क्या उन्हें वैक्सीन लगाना पूरी तरह से सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि वो सर्जरी होने से पहले एटलीस्ट एक इन्फेक्शन से बचेंगे। वैक्सीन बहुत जरूरी है, हर एक हार्ट पेशेंट जिसका हार्ट पंपिंग वीक है या जिसको ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको एक और इन्फेक्शन लेके अपने हार्ट को और वीक नहीं करना है किसी हालत में भी, बिकॉज हमने बहुत डेथ देखी है हार्ट पेशेंट्स में, हमने बहुत डेथ देखी है डायबिटिक्स में, हमने वो टाइम देखा है जब बहुत डेथ हुई जुलाई अगस्त सितंबर फिर दिवाली के आसपास, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था और दिल्ली में हमने बहुत डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं अपने हॉस्पिटल्स में। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये अनफॉर्चुनेट डिजीज हो।
जी, जैसा कि डॉक्टर बलबीर बता रहे हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और जिसको भी 45 वर्ष के से ज्यादा उम्र के लोग जिनको किसी तरह की गंभीर बीमारी है उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। और डॉक्टर बलबीर इस समय पूरे देश से हमारे साथ कार्यक्रम में श्रोता जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ, और सबसे पहले हम रुख करेंगे स्टेट ऑफ कलर्स राजस्थान में चूरू का, जहां से ओम प्रकाश जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका। जी मेरा दो क्वेश्चन है, एक तो है कि जैसे मैंने 1 मार्च को वैक्सीन लगाया था, 76 एज है मेरी जी। अच्छा मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो वो वैक्सीन लगाना है या दूसरा वैक्सीन लगाना पड़ेगा मुझे? ये अच्छा सवाल पूछा ओम प्रकाश जी। अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, आपको जो नेक्स्ट डोज है वो भी सेम वैक्सीन लगेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एंटीबॉडीज उसी, दोनों में फर्क है, दोनों सेम मैकेनिज्म नहीं है उनका, दोनों में फर्क चीज यूज की गई है। वो वैक्सीन में फुल वायरस है जो इनएक्टिवेट किया गया, और कोविशील्ड में सिर्फ स्पाइक प्रोटीन है, तो इसलिए दोनों के बिहेवियर फर्क होंगे, दोनों के मैकेनिज्म फर्क होंगे। तो आपने अगर एक लगवाई है तो नेक्स्ट डोज भी उसी वैक्सीन की लगेगी जी। और डॉक्टर बलबीर, हमारे एक दूसरे श्रोता हमें ईमेल पे ये पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें कहीं बाहर जाना होता है और एक वैक्सीन लगवाने के बाद जो दूसरी वैक्सीन की डेट उन्हें मिलती है उस डेट पर वो वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं, तो क्या वो आगे पीछे उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं? ये भी सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आंसर लिटरेचर में अभी नहीं मिला है। अगर आप लेट हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ स्टडीज हैं कि 2 महीने भी आप लेट हो जाएंगे तब भी एंटीबॉडीज रहेंगी पहली वैक्सीन की, और नेक्स्ट टाइम लगाओगे तो भी वो रीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो मुझे कोई शक नहीं है कि नेक्स्ट डोज थोड़ा लेट हो गए तो नहीं लग सकती या नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए जी। और अब हम रुक करते हैं फरीदाबाद का, जहां से अनवर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनवर जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और मैं डॉक्टर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूँ कि डॉक्टर साहब को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, और हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसे डॉक्टर आज हम लोग मुखातिब हो रहे हैं जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया है। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग जो जाएंगे वैक्सीन दिलवाने के लिए, तो आधार कार्ड लेकर के जाना है या आधार कार्ड के अलावा और भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है? और जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर, तो मेरे पास तो बिहार का ही है आधार कार्ड। अब बैंक में जाते हैं तो ये तो खाता खोलते नहीं है, बोलते हैं कि फरीदाबाद का आधार कार्ड लेके आइए, तो क्या वैक्सीन में भी इस तरह की समस्या होगी? जी वैक्सीन लगाने के लिए जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो आपको आधार कार्ड के नंबर से ही रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो आपको जब जाएंगे तो आपको एक गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आधार कार्ड के बेसिस पे ही होगा जी। और जैसा कि ये पूछ रहे हैं कि इनका आधार कार्ड अगर किसी बाहर की जगह का भी है लेकिन इनके पास चूंकि पहचान पत्र है तो इनकी वैक्सीन लग जाएगी किसी भी सेंटर पे? बिल्कुल लगेगी जी। और इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ आ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जी वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी जो कोरोना से हमेशा बचे रहें। जी डॉक्टर बलबीर, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कई बार मन में आता है कि अगर हम वैक्सीन इवन लगवाने जा रहे हैं तो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें खाली पेट जाना है, कुछ खाकर जाना है, और आने के बाद किस तरह की सावधानी रखनी होगी? तो पहली चीज, वैक्सीन लगवाने के लिए आपको खाली पेट जाने की जरूरत नहीं, और दूसरी चीज, जब वैक्सीन लग जाती है तो सब सेंटर्स में इंस्ट्रक्शन है कि आधे घंटे के लिए वो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए वो रखते हैं। तीसरी चीज ये है कि उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन करिए, आपको कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं, और ये बहुत सिंपल वैक्सीन है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, आप उसी हाथ को यूज कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जो मर्जी करें, आप काम पे वापस जा सकते हैं जी। और डॉक्टर बलबीर, एक बार वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद कितने दिनों में हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है? तो ये माना गया है कि अगर हम सेकेंड डोज के बाद 2 से 3 हफ्ते वेट करेंगे तो इम्यूनिटी हमें मिल जाएगी।
और ये टेस्ट दो तरीके के टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इम्यूनिटी मिली कि नहीं। एक तो एंटीबॉडी टेस्ट होता है और दूसरा होता है टी सेल इम्यूनिटी। दोनों टेस्ट को वैक्सीन के साथ किए जा चुके हैं और ये देखा गया कि विद इन टू वीक्स आपको फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी। और डॉक्टर बलबीर, आजकल एक सोशल मीडिया पे या मेल्स पे जो प्रमोशनल मेल्स होती हैं उसके ऊपर एक इम्यूनिटी टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रहा है और कई सारी कंपनीज उसमें लोगों को ये टेस्ट ऑफर कर रही हैं डिफरेंट पैकेजेस में। तो कितना जरूरी होता है किसी इंसान के लिए उसका इम्यूनिटी टेस्ट कराना अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है? बिल्कुल इम्यूनिटी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन भी हो गया था और उसके एंटीबॉडीज हाई हैं उसको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। और वैक्सीन लगने के बाद आप सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि आप इम्यून पूरे हो गए हो या आपकी एंटीबॉडीज लो हैं तो आप इम्यून नहीं हो, वो भी नहीं बता सकते। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप, ये सिर्फ रिसर्च पर्पजेज के लिए है, फॉर क्लिनिकल एप्लीकेशन या आपकी लाइफ के लिए ये जरूरी नहीं कि आप टेस्ट कराइए वैक्सीन के बाद या वैक्सीन से पहले टेस्ट कराइए कि मेरी इम्यूनिटी है तो मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं। ये सब करने की जरूरत बिल्कुल आवश्यकता नहीं जी। और अब हम रुक करते हैं बिहार में अररिया का, जहां से मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जी इरफान जी, आपको आदाब। जी आदाब, अर्ज है, अपना सवाल पूछिए। और डॉक्टर साहब को भी आदाब। आदाब। और जितने भी मेरी माँ और बहनें और भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सबको मेरा आदाब और सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी हम और हमारे तरह कितनी माँ और बहनें और भाई मलेरिया टाइफाइड की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से हम दवाइयाँ खा रहे हैं और इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, तो क्या इस मौके पर हम वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? अगर आपको कोई और बीमारी है जैसे मलेरिया वगैरह, तो मेरे को लगता है पहले मलेरिया का इलाज करा के फिर वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन लगनी बहुत जरूरी है। जैसे भी कोई और इन्फेक्शन अगर आपको बस टाइफाइड मलेरिया कुछ हो गया उसको ठीक करिए और वैक्सीन के लिए जाइए। वैक्सीन को डिले नहीं करना है बिल्कुल भी, वैक्सीन सबको लगना अनिवार्य है और लगना चाहिए। कोई एज का बात नहीं है, कोई बीमारी का बात नहीं है, किसी को कुछ भी बीमारी नहीं लगवानी है जी। और डॉक्टर बलबीर, हमारे अगले जो लिसनर हैं उन्होंने ये सवाल किया है कि समय चेंजिंग वेदर है और चूंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम आम हो गया है, कई बार हल्का फीवर भी आ जाता है, तो ऐसे में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या विभेद करेंगे कि ये कोरोना की वजह से है या सीजनल है? तो मैं शुरू से ही मेरा मानना था कि हम डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वायरस एक एसिम्प्टोमेटिक स्टेट से लेके एक आईसीयू तक पेशेंट को भेज सकता है। कुछ लोगों को, उसी एज के लोगों को हुआ कोरोना और उनको पता भी नहीं चला, कईयों को थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ और कोरोना पॉजिटिव आ गया, कईयों को सांस फूला और कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो इसके सिम्टम्स इतने वेरिड हैं, इतना रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह से प्रेजेंट किया है कि कोई भी बुखार कोरोना हो सकता है, कोई भी खांसी जुकाम कोरोना हो सकता है, कोई लंबी खांसी कोरोना हो सकती है, कोई सांस फूलने के सिम्टम कोरोना हो सकता है। तो हम लोग बहुत बार गलती कर चुके हैं इसके डायग्नोसिस में, तो इसलिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए जी। और अब हम रुक करते हैं बिहार का, जहां से केडी प्रसाद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो जी। जी प्रसाद जी बताइए। मेरा सवाल है कि अभी कोरोना का कहर अपने देश में जारी है, लोग लापरवाह भी कुछ हुए हैं जी, तो इसका जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोरोना अपने देश से चला जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर इस बार कोरोना चला जा रहा है तो क्या भविष्य में ऐसा भी संभव है कि ये दोबारा अपने देश में प्रवेश कर सकता है? तो मैं आपको बाकी वायरसेस की कंपैरिजन बता सकता हूँ जी, कि जो फ्लू के कई वायरसेस हैं, जैसे स्वाइन फ्लू आया H1N1 जो हम कहते हैं, H1N1 आया हमारे देश में, उसने काफी तबाही मचाई। अब ये नहीं कि H1N1 खत्म हो चुका है, H1N1 अभी भी होता है, लेकिन उसकी वैक्सीन इतने लोगों को लगती है साल में, काफी इम्यूनिटी लोगों को जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ काफी क्रॉस इम्यूनिटी होती है उसकी वायरसेस के, तो वो उतनी ताकत से नहीं पकड़ पाता जितनी ताकत से वो आया था पहली बार।
तो कोरोना वायरस ये नहीं कि खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, हार मान जाएगा, हमने वैक्सीन बना ली तो हार मान के खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है वर्ल्ड की, तो वो तो रहेगा, बट इतना खतरनाक तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से वो आया था। आप खुद देख रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी तेजी वो तेजी नहीं है, वो डेथ्स नहीं है, वो आईसीयू एडमिशन नहीं है जो 6 महीने पहले थे। तो उसके भी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, क्योंकि हम इम्यूनिटी एक्वायर कर लेते हैं धीरे 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 धीरे, थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन लेके, तो हम फाइट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। जितना पहले जैसे आया था वो बिल्कुल स्वीप कर रहा था, तो मैं नहीं मानता कि कोरोना हम वाइप आउट कर देंगे, जैसे पोलियो हमने काफी हद तक वाइप आउट किया। कोरोना वाइप आउट नहीं होगा, लेकिन काफी माइल्ड हो जाएगा, और वैक्सीन हर साल शायद लगानी पड़ेगी, वो मैं नहीं कह सकता, वो डेटा आएगा पता लगेगा कि शायद हमें हर साल वैक्सीन लगानी पड़ेगी कोरोना की कुछ साल अगले कुछ सालों में। जी, ये सब बात की बातें बताने की। जी, और डॉक्टर बलबीर, अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बिजनौर का, जहां से मोहम्मद अल्ताफ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए। जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि सर अगर हम हाथ मिलाने के बाद में हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं, सर कोरोना का खतरा रहता है कि सर? सो कोरोना वायरस एक जो हमें शुरू में ही पता लग गया था, ये सैनिटाइजर या सोप से एकदम खत्म हो जाता है। ये इसके ऊपर फैट लेयर है, तो फैट अगर देखें, अगर आप चिकनाई के ऊपर सोप लगाएं या सैनिटाइजर लगाएं, तो वो एकदम सोप हट जाता है। तो ऐसे ही उसकी जो आउटर लेयर है वो फैट से बनी है। तो आप सोप या आप सैनिटाइजर लगाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। तो ये चीज पक्की है कि वो सैनिटाइजर इफेक्टिव है और हमेशा यूज करना चाहिए हमें। जी, और अब हम जालौन का रुख करते हैं, जहां से अमित तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार। हरे सर जी नमस्कार। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जानना चाहते हैं जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि जिसको ये टीका लगेगा तो उसकी क्या दिनचर्या होगी, उसका कैसा खान पान लेना चाहिए, और उसकी जो व्यवस्था होगी जो आम आदमी की तरह कि उसकी मतलब व्यवस्था जो है कि वो हटके होगी कुछ? जी डॉक्टर बलबीर, जो एक बार टीका लगने के बाद उसको उसकी व्यवस्था वैसी होगी जो पहले थी, उसमें खान पीन में कोई परहेज नहीं, जो मर्जी खाए। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा है कि क्या कॉफी पी सकते हैं, उसके बाद कॉफी पी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ड्रिंक करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 45 दिन नहीं ड्रिंक करना, ये सब अफवाहें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आपका खान पीन वैसे ही रहेगा जो पहले था, कोई फर्क नहीं। इस वैक्सीन ये इंट्रामस्कुलर है, आपके सिस्टेमिक बॉडी में चले जाता है। खाने पीने से इसको कोई एंटागोनिस्ट नहीं बनना, इसमें बॉडी ने एंटीबॉडीज बनानी है जी, और इसमें कोई खान पीन से फर्क नहीं पड़ेगा जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। आप भी डॉक्टर बलबीर से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-1157 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे अगले कॉलर दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी बताइए। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। नमस्कार सर। ब्रह्मदत्त बोल रहे हैं मंगोलपुरी दिल्ली तो। मैंने गल पूछनी सी आप जी कोलो सर जी। पहली गल ए कि जेडी कोरोना का टीका मिलता पे सानू ते दवाई कब तक मिलेगी जेडी टैबलेट कैप्सूल होंदे ने। दूजी गल ए कि जेड़ा साडा सुपर एंटीबॉडी दियां गल्लां हो रही ने यूएसए च ते एंटीबॉडी ते समझ आंदी है, सुपर एंटीबॉडी की होंदी है सानू दसो सर जी, बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी। जी डॉक्टर बलबीर, सो ये जो सवाल पूछा है कि क्या कोरोना के टीका की दवाई आएगी कि नहीं आएगी, अभी तक दवाई का कुछ पता नहीं है। इसराइल में रिसर्चर्स ने कुछ कहा कि इसको ओरल ड्रग्स आ गई हैं जो कोरोना के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। मुझे पक्का श्योर है कि आएगी आएगी जी, जैसी H1N1 के अगेंस्ट आ गई कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद टैम्बी फ्लू करके टैबलेट आई, ऐसे कोरोना की भी टैबलेट्स आएंगी जो कोरोना इन्फेक्शन का ट्रीट करेंगे, वो भी पॉसिबल होगा। लेकिन वो कब तक आएंगी कह नहीं सकते, लेकिन जब तक नहीं आती है वैक्सीन तो लगाना ही लगाना। वो टैबलेट आ भी जाए वैक्सीन लगेगी लगेगी, वैक्सीन इंट्रामस्कुलर की जगह क्या ओरल वैक्सीन आ सकती है? मेरे को नहीं लगता आएगी, क्योंकि और वायरसेस की भी नहीं आई है एक्सेप्ट पोलियो, वो भी
मस्कुलर ज्यादा इफेक्टिव है देन ओरल। तो ये प्रोटीन्स होते हैं तो इंट्रा मस्कुलर ही बेटर रहते हैं एज अ मेडिसिन। जी और डॉक्टर बाबी, इन्होंने बात की है सुपर एंटीबॉडी की, ये क्या है? तो सुपर एंटीबॉडी कुछ ऐसा शब्द करेक्ट नहीं है, कोई मेडिकली करेक्ट टर्म नहीं है। तो अब ये देखा गया कि कईयों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ और उनके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं आए, और कुछ को हुआ तो उनके बहुत हाई एंटीबॉडीज आए। अभी तक हमें ये समझ नहीं है कि जो एंटीबॉडीज आती हैं आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज हम जिसको कहते हैं जी, वो ज्यादा मायने रखते हैं कि टी सेल इम्यूनिटी वो ज्यादा मायने रखती है। टी सेल इम्यूनिटी एक दूसरा तरह की इम्यूनिटी होती है, बट ये पक्का है कि जिनको वैक्सीन लगी या जिनको कोरोना हुआ उनको दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस कम है। ये खुद में बताता है कि इफेक्टिव इम्यूनिटी आई। सो इम्यूनिटी दो तरह की आती है, एक तो आईजीजी आईजीएम इम्यूनिटी होती है और एक टी सेल से होती है। तो जो ये मिक्सचर है जो बहुत मुश्किल है कि आप एक टेस्ट से बता दो कि मैं बिल्कुल, मैंने कहा कि इसका कोई मायने नहीं रखता है, इसको देखना ही भी नहीं चाहिए। जी, और अब हम रुख करते हैं बिहार में दरभंगा का, जहां से मोहन पासवान जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। जी मोहन जी। जी सर, धन्यवाद। जी नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर से जानना चाहता हूँ, देश के कुछ राज्य में कोरोना का मरीज सर बढ़ रहा है, ऐसे स्थिति में हम लोग थोड़ा चिंतित हैं, कौन सा तरीका सर अपनाया जाए? दूसरा है, देश में कोरोना का पुनः प्रसार वैक्सीन की असफलता है या अन्य कौन सा कारण है सर? जी डॉक्टर बलवीर, पहली चीज तो ये इन्होंने चिंता जाहिर की है कि कुछ राज्यों में केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में दोबारा से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? बिल्कुल खतरा हो सकता है। वैक्सीन चाहे आ गई है, जो वैक्सीन लगी है उनको भी, और जिनको नहीं भी लगी है उनको भी प्रिकॉशंस अभी कंटिन्यू करने हैं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, एक और स्पाइक आ सकता है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं आ रहा है, पुणे में नागपुर में लॉकडाउन चला, तो इसलिए हम छोड़ नहीं सकते प्रिकॉशन, और प्रिकॉशन हमें याद रखना है। मैंने पिछले एआईएस शो में बोला था कि अभी हमारे पास सिर्फ एक वैक्सीन है, वो है मास्क। तो मास्क और सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस वॉश मास्क एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, भीड़ में नहीं जाना, ये आपको अभी भी लागू है, दोबारा से आ सकता है कोरोना, इसलिए अभी तक बचाव के सब जितना कर सकते हैं हम करें। जी, और डॉक्टर बलबीर, चलते चलते हमारे आज के कार्यक्रम के लास्ट कॉलर हैं बिजनौर से आसिफ चौधरी जी, इनका सवाल ले लेते हैं। आसिफ जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी आसिफ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 50 साल का हो चुका हूँ और हमें मतलब कहने का हौसला बढ़ चुका, जब डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगवाए, ये बताते हैं कि हम सेफ है, बढ़िया है, तो हमारा तो हौसला बढ़ गया, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब तक आएगा। जी डॉक्टर बलबीर, 50 साल की उम्र है, जानना चाहते हैं कि कब तक इनका नंबर आ जाएगा वैक्सीन लगवाने के लिए। सो अभी तक गवर्नमेंट ने 60 साल से ऊपर और 45 से 60 जिनको कुछ और एडिशनल कंडीशन है उनके लिए ओपन किया है। मुझे लगता है कि महीने डेढ़ महीने में पूरे हिन्दुस्तान के लिए ओपन हो जाना चाहिए वैक्सीन। सो ये मेरी उम्मीद है कि इंडिया ने इतनी प्रोड्यूस कर ली है कि वो सब पूरी पॉपुलेशन के लिए बना सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन कायदे से वो कर रहे हैं क्योंकि एकदम भीड़ हो जाएगी तो भी मुश्किल हो जाएगा। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर बलबीर आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं एक ही संदेश दूंगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, हमारी इंडियन वैक्सीन बहुत अच्छी है, हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, जो भी वैक्सीन मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में ये लगवाएं, अपना बिल्कुल डर नहीं रखें कि जी इस वैक्सीन के साथ हमें ये कमी हो जाएगी या वो कमी हो जाएगी, कोई रिएक्शन हो जाए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल आंख बंद करके लगवाएं, इसी से आप ठीक रहेंगे। और मैं एक और चीज बता दूं, वैक्सीन अगर हम बोलते हैं 81% एफिकेसी है, 81% को कोई इंफेक्शन नहीं हुआ, बाकियों को हुआ लेकिन वो आईसीयू में नहीं गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हुआ तो माइल्ड हुआ। सो इसलिए मेरे हिसाब से नियरली 100% इफेक्टिव है अगर वो आईसीयू एडमिशन को रोक देती है। जी डॉक्टर बलवीर, समय कम है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार।
कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली में मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDTalks@gmail.com।